9 to 5 मैन हेयर। और आज हम जिस गाड़ी को डिस्कस करेंगे वो है किया की स्पोर्टेज। ये जो गाड़ी है हमारे पास कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। लेट्स सी ये गाड़ी कैसी। और ये हमारा है शार्क फिन एंटेना। ऑल व्हील ड्राइव में ये वाइपर भी अवेलेबल है। ये सेंसर्स हैं, पार्किंग सेंसर्स, बैक कैमरा। गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री अवेलेबल है, लाइक एज इन गाड़ी के अंदर जाते हुए यू जस्ट नीड टू हैव द की इन योर पॉकेट और आप उसको खोल सकते हैं। बट लॉक करने के लिए व्हेन यू आर गेटिंग आउट यू नीड टू प्रेस दिस बटन ताकि गाड़ी लॉक हो जाए। ओके, फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा नहीं है। ये ऑटो रिट्रैक्टिंग मिरर्स हैं, व्हेन यू लॉक द कार ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। किया की सारी गाड़ियों में जो बैटरी आती है वो ड्राई बैटरी आती है। इवन पिकांटो में जो वहां खड़ी है उसमें भी, सोरेंटो में भी, स्पोर्टेज में भी, सब में ड्राई बैटरी जो है वो आती है। इट्स अ वेरी वेरी नीट फीचर। स्टार्ट विद द बैक साइड। अगर हम लेग रूम की बात करें तो ये कुर्सी इस वक्त फुल पीछे है एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ हेड। लेग रूम काफी ज्यादा स्पेस है, रियली कंफर्टेबल। इसी तरह अगर हम सीट्स की बात करें तो दिस इज ऑल व्हील ड्राइव, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, तो दिस इज लेदर। जो कलर है इसका इट्स मोर टूवर्ड्स द ग्रे साइड। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें अगर हेडरूम की, हेडरूम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेडरूम। ये जो कुर्सी है बैक साइड वाली, ये टिल्ट है, ये आगे पीछे भी हो सकती है, मैं भी करके भी आपको इसको दिखा दूंगा, और ये फुल फोल्ड भी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये दो कप होल्डर्स हैं, गुड। ये हमारे पास सीट बेल्ट्स हैं। अब मैं अगर इस तरह बैठा हूँ, हेडरूम की अगेन बात करें तो मेरा सर ऊपर टच नहीं कर रहा है, देयर इज प्लेंटी ऑफ हेडरूम। ये जो सीट है इटसेल्फ, ये इसकी आप पोजिशन कर सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ी आगे कर ली है, और ये फुल आगे भी हो जाती है और इस तरह फुल पीछे भी हो जाती है। अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो स्पीकर्स टोटल इस गाड़ी के अंदर जो है वो चार हैं और दो ट्विटर्स हैं, वो आगे हमारे लगे हुए, मैं आपको दिखा दूंगा। विंडोज इसकी जो है सारी वो पावर्ड है। दिस इज लिटल प्लास्टिक बट गुड क्वालिटी प्लास्टिक, जरा हैवी सॉलिड फील है। यहाँ पे हमारे पास ये लेदर मटीरियल है, दिस इज सॉलिड, ये प्लास्टिक है और ये लेदर है। ये इन्होंने बिल्कुल कलर एक दिया हुआ बट दिस इज लेदर एंड दिस इज प्लास्टिक। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये एल्युमिनियम ब्रश की फिनिश है। ये हमारे पास लाइट्स हैं। ऊपर अगर छत पे देखें तो ये पैनोरामिक रूफ है, इसको हम खोल के भी बाद में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट्स मौजूद हैं, इनको हम बंद खोल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास यूएसबी चार्जिंग बोल्ट है और एक ये हमारे पास 180 वाट का बोल्ट है। इसके अलावा कारपेट, इसके तरह जो आ रहा है वो कारपेट है, मैट्स जो है वो आपको आई थिंक अलग से लेने होता है, बट दिस इज जस्ट द नॉर्मल कारपेट, मैट्स प्रॉब्ली यू हैव टू गेट सेपरेटली। वन मोर थिंग, इसकी जो सीट्स हैं वो कम्प्लीटली जो है वो फोल्ड हो जाती हैं एंड देन यू कैन मर्ज देम विद द ट्रंक। ये देखें ऐसे, एंड दिस इज होल फ्लैट टिल द एंड, ये आपको पूरी जो है स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है। नाउ लेट्स गो टू द फ्रंट साइड। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसमें जो ड्राइवर साइड है उसमें लंबर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक है, आगे पीछे भी कुर्सी आपकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है, हाइट एडजस्टमेंट भी जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक है, और ये बैक साइड से भी इलेक्ट्रॉनिक है। पैसेंजर साइड के ऊपर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स है, इसमें लंबर सपोर्ट नहीं है बट बाकी ये दोनों जो हैं आगे पीछे, हाइट से बैक साइड एंड हाइट, ये तीनों चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक है। ये हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। ये हमारे पास इस वक्त जो है साइड के ऊपर अगेन यहाँ पे हमारे पास एल्युमिनियम ब्रश फिनिश है। ये ट्विटर्स हैं जो मैं बात कर रहा था, चार स्पीकर और दो ट्विटर्स हैं जो कि दोनों डोर्स के
अवेलेबल है। ये हमारे पास एयर वेंट्स हैं, ये हमारे पास बैक साइड का जो बटन है, ट्रंक का बटन है खोलने का वो है, ये लाइट्स की लेवलिंग है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाए हमारे पास, दिस इज प्लास्टिक, दिस इज लेदर। ये अपलाइन देख रहे हैं यहाँ से, दिस इज लेदर एंड दिस इज सॉफ्ट, ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है बट सॉलिड, दिस इज सॉलिड एज वेल। ये हमारे पास ऑटोमेटिक सारी जो विंडोज है उनके कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक का बटन, मिरर लॉक है हमारे पास, साइड मिरर का ये जो है बटन साइड मिरर का बटन है, और हमारे पास ये फोल्डिंग के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे स्टेयरिंग पे आ जाए, स्टेयरिंग में हमारे पास एक और रिसीव एंड के बटन है, ये साउंड के बटन, ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड गुड मज़े की फील आ रही है इसे आपको जो है स्टेयरिंग की, स्टेयरिंग इज गुड क्वालिटी, लेदर थोड़ा स्टिच भी हुआ हुआ है यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास मोड्स हैं, ये हमारे पास क्रूज कंट्रोल है, ये हमारे पास ऑडोमीटर की पूरी सेटिंग के बटन्स अवेलेबल हैं, अगेन क्रूज भी इससे कंट्रोल हो सकता है। दिस इज नॉट क्लिकेबल बट दिस इज रियली स्मूथ, आपको सॉलिड फील आ रही है इसको, ये जितने भी रोल ऑन बटन हैं दे आर रियली गुड टू, एंड ये प्रेस भी होते हैं, इट्स रियली सॉलिड, रियली सॉलिड। अच्छा, ये प्रेस करके बाय द वे यहाँ से म्यूट होता है, ये प्रेस नहीं होता, दिस इज फॉर द मोड्स। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे पास वाइपर्स अवेलेबल हैं, जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, मैं कन्फर्म भी कर दूंगा आपको। और यहाँ हमारे पास लाइट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल है, और ये ऑटो इसकी सेटिंग भी हो सकती है डिम वगैरह होने के लिए हिसाब से, आप ऑटो भी सेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टोरेज स्पेस है, प्लेंटी ऑफ रूम फॉर स्टोरेज स्पेस। ये हमारे पास जो है स्मोकिंग के लिए साथ कपोर्ड अवेलेबल है, ये मैं टूसा में भी देखा था कि अवेलेबल था। ये हमारे पास ऑटो होल्ड का बटन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है। मजे की बात ये, अगर आपने पार्किंग का बटन दबाया है एंड आप गियर को डी वे करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये रिमूव हो जाती है, यू डोंट हैव टू प्रेस इट अगेन। ये डाउन हिल असिस्ट है, सिंस इज अ 4x4 मॉडल तो ये आपके पास फोर व्हील का जो है डिफरेंशियल लॉक है। यहाँ से आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, डिफरेंट मोड्स हैं। ये वो बटन है कि पार्किंग सेंसर्स को आप ऑफ कर सकते हैं कि वो पार्किंग, क्योंकि इसमें फ्रंट भी पार्किंग सेंसर्स है, पीछे भी अवेलेबल है, तो ये आप ऑफ कर सकते हैं इफ यू डू नॉट वांट देम टू बीप। ये अगर बात करें, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन हमारी जो है, अगेन यहाँ पे भी नीचे नहीं है, इट्स अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर गियर टू होल्ड। अगेन ये बटन प्रेस करके आप इसको गियर को मूव करते हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट अवेलेबल है, आप अपनी मर्जी से भी इसको अप डाउन यहाँ से कर सकते। ये हमारे पास पूरे जो है इसके अंदर जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये पैसेंजर साइड भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, ड्राइवर साइड भी कंट्रोल कर सकती है, और ड्यूल जोन है, और ड्यूल जोन का मतलब है कि सर्दी गर्मी दोनों अपने हिसाब से देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट इनके जो है क्लाइमेट कंट्रोल है। ये फ्रंट डिफ्रॉटर वगैरह, ये एसी के आपके बाकी कंट्रोल्स हैं ऑफ ऑन वगैरह के। यहाँ पे हमारे पास जितने बटन्स हैं ये स्क्रीन के हैं, स्क्रीन का साइज मैं लिख दूंगा, और ये आपके पास अगेन वॉल्यूम का कंट्रोल्स हैं इस स्क्रीन के लिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। ये एयर वेंट्स हैं, अगेन ये हमारे पास अगेन स्क्रीन आ गई, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये स्टोरेज स्पेस है। अगेन जो सीट्स हैं दे आर सॉफ्ट, दे आर नाइस, लेदर उनका मटेरियल है। ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास ये पूरी पैनारोमिक्स रूफ अवेलेबल है, यहाँ से अभी गाड़ी ऑफ है इसलिए हो नहीं रही। यहाँ पे हमारे पास ये लाइट्स अवेलेबल हैं, ये ग्लास होल्डर्स हैं, ग्लासेस, सॉरी दिस इज ग्लासेस के लिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये मिरर है, और ये लाइट भी अवेलेबल है यहाँ पे, अभी बल्कि यहाँ पे स्मोकिंग का ये अगेन ये अवेलेबल है फॉर लाइटिंग अ सिगरेट और समथिंग। दिस इज फॉर USB पोर्ट, और ये हमारे पास 12 वोल्ट की चार्जिंग की डॉक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप बटन दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मिरर लाइट डिटेक्ट करके अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सो दैट आपको लाइट यहाँ से तंग नहीं कर रही। स्टेयरिंग की अगर बात करें तो स्टेयरिंग जो है हमारा यहाँ से ये लॉक होता है, यहाँ से खुलता है, ये आगे पीछे भी होता है, वापस पीछे और ऊपर नीचे भी होता है, मतलब ऐसे भी होता है और ऊपर नीचे भी होता है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक जिसको कहते हैं। अच्छा, ये हो गया, इसको हम लॉक कर लेते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट पुश का बटन है, गाड़ी में आपके आपके चाबी आपके पास है, चाबी आप कहीं रखते हैं, यहाँ पे बटन दबाए तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू फील व्हेन यू आर इन किया स्पोर्ट्स। गाड़ी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास रेड बटन, रेड कलर के कलरिंग है, दिस इज रियली नीट। हम स्टार्ट करने लगे गाड़ी को। साउंड प्रूफिंग की बात करूँ तो द कार हैज रियली गुड साउंड प्रूफिंग। ये हमारे पास नेशनल मोनोग्राम है एंड दिस इज पैनोरामिक रूफ। ये बटन ऐसा है कि अगर आप इसको फुल दबाएंगे दो क्लिक्स होते हैं और ये गाड़ी फुल जो है खुल जाती है। अभी उन्होंने एक छत खोल ली है और इसको हम दोबारा करेंगे तो ये हमारी छत खुल गई है। So this is the panoramic roof of Kia Sportage. Let's start with the back side. Back side में हमारे पास wiper available है, साथ हमारे पास parking sensors available है, जो trunk है all wheel drive का उसके अंदर what you need to do is just press this button और ये automatically जो tailgate है वो
खुलेगा। मोर ओवर अगर आप इसके दरमियान में कोई चीज़ आ जाती है तो ये वहाँ पे रुक भी जाता है। क्लोज करने के लिए अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे बटन दबाना है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद होगा, और फर्स्ट करो बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो ये ऑटोमेटिकली नहीं रुकता। ये दोबारा बना लें। ऑटोमेटिकली खुल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो हमारे पास देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस, कितने लीटर्स की स्पेस है वो मैं नीचे जो है वो मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे हमारे पास लाइट एक अवेलेबल है। नीचे अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये टायर अवेलेबल है, जो टायर है ऑल व्हील ड्राइव का वो अगेन एल्यूमिनियम के साथ आता है, जो नॉर्मल दूसरा वर्जन उस पर सिंपल टायर होता है। ये हमारे पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ये कुछ नेट्स, आई थिंक दीज आर द नेट्स अवेलेबल जो कि आप यहाँ पे साइड्स पे लगा सकते हैं। राइट, हम देखें तो ये हमारे पास इसको यहाँ से हम पूरा कवर करके इसको बंद कर सकते हैं, इसको खुला भी छोड़ सकते हैं। सीट्स जैसे आपको पहले बताया आगे डिक्लाइन हो जाती है, आगे सीट डिक्लाइन हो जाती है एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ रूम। ये वाला जो चीज़ है ये भी यहाँ से रिमूव होके यू गेट अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस टू कीप योर बैग्स एंड एवरीथिंग। सो दिस इज द बैक साइड। ओके गाइस, सो अब हम वो बंद करने वाली चीज़ जरा दोबारा से करने लगे। सो लेट्स स्टार्ट ट्रेनिंग हियर। सो ओके, रुक जाती है, थोड़ा सा डज़न मारती है, पर उसके बाद उठते हो वापस हो जाती है। की की अगर बात करें तो दिस इज़ अ डिफरेंट बेसिक की है। लॉक का हमारा बटन है, हमारे पास अनलॉक का बटन है, और ये हमारे पास अगर होल्ड करेंगे तो ट्रंक जो है गाड़ी का वो ओपन हो जाएगा। वेरी बेसिक की, यहाँ से बटन दबाएंगे तो गाड़ी बाहर, ये चाबी ऐसे बाहर निकल भी आती है। सो दिस इज़ द की फॉर किया स्पोर्टेज, लॉक अनलॉक और ट्रंक का बटन। ओके गाइस, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अमजद अवेलेबल है, वो हमें किया स्पोर्टेज के वेरियंट्स की प्राइसेस और इनके फीचर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें बताएंगे। जी मैम, ये हमारे पास ये ऑल व्हील ड्राइव स्पोर्टेज है, ये टॉप ऑफ द लाइन है, ये तमाम स्पेक्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और इसकी प्राइस जो है वो 5435 इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट है। इंक्लूसिव ऑफ फ्रेट 5435। ठीक है, इसका जो इससे लोअर हमारा वेरियंट है दैट इज़ फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, फ्रंट व्हील ड्राइव में 5 स्पेक्स हैं जो नहीं है। ठीक है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, फोर व्हील है, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। सेकंड वन इज़ दैट कि उसका टेल गेट, इसका पावर है, ठीक है, उसमें पावर नहीं है। ठीक हो गया। जो फिफ्थ टायर है, स्पेयर टायर हाँ, वो इसमें अलॉय है लाइक ऑल द व्हील्स, उसमें स्टील व्हील, उसमें स्टील में। ठीक है, थर्ड वन इज लेदर सीट्स, लेदर इंटीरियर, उसमें हाई ग्रेड फैब्रिक इंटीरियर है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ सीट्स, मैनुअल कंट्रोल। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑल व्हील ड्राइव है, दोनों सीट्स के इलेक्ट्रॉनिक है। जी, दोनों सीट्स के इलेक्ट्रॉनिक है, और लंबा सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें मैनुअल है और उसमें भी लंबा सपोर्ट मौजूद है, लेकिन मैनुअल है। ठीक हो गया, और लास्ट जो वर्जन है हमारा उसमें इसमें एक और स्पेक्स है, वो ये है कि जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो ऑल व्हील ड्राइव में फ्रंट और रियर दोनों है। ठीक है, और फ्रंट व्हील ड्राइव में वो आपको रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ठीक हो गया, ये आपने बताया। अच्छा, तो टॉप ऑफ द लाइन हो गया 5435 का, जिसमें ये पांच फीचर्स नहीं है, उसकी प्राइस है 4935। उसकी प्राइस है 4935, 5 लाख का डिफरेंस है। और उससे जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या काम है? बेसिक वर्जन है हमारा अल्फा, दैट इज आल्सो फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है, तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव का जो बेसिक वर्जन है उसमें आपको हार्ड टॉप मिलता है। ठीक है, हेड लैम्प्स हैलोजन है। ठीक है, 17 इंच अलॉयज। ठीक, इसके कितने थे? और ये दोनों के 18 इंच, ये 18 इंच अलॉयज है, वो 17 इंच, 17। ठीक हो गया। देन ये क्रोम व्हील, व्हील अच्छा ये नहीं है, ठीक है, व्हील नहीं है। ठीक है, और बाकी जो हैंड ब्रेक है उसमें वो मैनुअल लीवर ब्रेक है, मैनुअल वो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अच्छा, हार्ड टॉप से क्या मतलब होता है? हार्ड टॉप मतलब दोनों में पैनोरामिक रूफ है। ओके, उसका हार्ड टॉप है। ठीक हो गया, उस जो इन वेरियंट से पैनोरामिक रूफ अवेलेबल है उसके अंदर सिर्फ सॉलिड क्लोज है, सनरूफ पैनोरामिक नहीं है, सनरूफ भी नहीं है, बस नॉर्मल सनरूफ भी नहीं है। बाकी ऑटो रेन सेंसर पर्पज वगैरह सारा कुछ बहुत कुछ मोस्ट स्टैंडर्ड। रेन सेंसर तीनों गाड़ियों में मौजूद है, तीनों स्टार्ट तीनों गाड़ियों है, 2 लीटर इंजन, ऑटोमेटिक गियर, ट्रिप्ट्रॉनिक गियर, सब कुछ तीनों सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इट। थैंक यू।